रमजान भाई और माध भाई, क्या कैसा टेस्ट लगा फिर आपको? मजे क्या, जैसा सुना था वैसा ही है? अच्छा, चाट की बड़ी तारीफें सुनी थी और साथ में खट्टे की भी बहुत तारीफें सुनी थी। अच्छा, मजा आ गया यानी कि आज आपको। ये क्या क्या डालने हैं आप इसमें? आलू, प्याज, बोलना भी है? हाँ जी, साथ साथ बताते रहना आप। अच्छा, अब केले की कटिंग है। कितना अर्सा हो गया आपको भाई जान ये काम करते हुए? 2-3 साल हो गए इनके पास। अच्छा, 2-3 साल हो गए हैं इनके पास जॉब करते हुए। तो कैसा इनका काम? सुना है नाम बहुत है इनका कसूर में, तारी गोलगप्पे वालों का। तो टेस्ट भी है इनका जी। अच्छा, दोबारा से प्याज बचा मुकम्मल डबे के आ गए। अच्छा, ये मसाला है। अच्छा, ये चाट मसाला है। चाट ये सबज ये हरी चटनी सबज। अच्छा, सबज चटनी है। ये मीठी चटनी आलू बहारे। अच्छा, मीठी चटनी आ गई। दही आ गई है। इसलिए कम डालना और पानी भर दे। अच्छा, पानी भर दे। ये सेव का मुरब्बा, ये गाजर का मुरब्बा। ये गाजर का आ गया मुरब्बा। सेव का भी बन गया जी। ओके, चलो। एड शो हो रही है।
अच्छा अभी दो दर्जन आए हैं, वो भी आपने मिनट से पहले खत्म कर दिए। तो यानी के लोगों ने सच ही कहा था कि गोलगप्पे सिर्फ अतारी के कसूर में। जी इनका खट्टा है वो बड़ी कमाल है, खट्टा भी टेस्टी है इनका, बड़ी कमाल का खट्टा। चलें खाकर दिखाएं फिर आप जी पूरा गोलगप्पा ही। यानी कि बहुत टेस्टी है। चलो जी, तो कहाँ से आए हैं आप गोलगप्पे खाने कसूर में? मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, जिसके गोलगप्पे बहुत मशहूर होते हैं, कसूर में रहता है, उसके साथ आया उसने। अच्छा, हमने भी टेस्ट का सुना था कि काफ़ी अच्छा है, तो इसी वजह से हम भी आए हैं टेस्ट करने के लिए। तो आपने अभी गोलगप्पे खा चुके हैं आप इनके, के अभी खाने हैं आपने? खा चुके हैं। अच्छा खा चुके हैं, तो कैसा टेस्ट आपको लगा इनका? बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। अच्छा, तो दूसरे भाई भी बलोचिस्तान से ही हैं कि ये कसूर से ही हैं? कश्मीर से, मुजफ्फराबाद से। अच्छा, कसूर से, ये सारे कसूर से। अच्छा जी, माशाल्लाह पूरा ग्रुप आया हुआ है, कोई कहीं से है तो कोई कहीं से है। तो दूसरे भाइयों को कैसा टेस्ट लगा आपको ये जो आपके साथ हैं? माशाल्लाह बहुत तारीफ से। अच्छा, सारी चीजें बहुत फ्रेश थी जी, बहुत अच्छा। हाँ, तो आप दूसरों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी जरूर, हम सबको यही मशवरा देंगे, एक दफा आके जरूर टेस्ट करें जी, तो बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, बाकी कुल्फी भी ट्राई करें और सारा कुछ बहुत अच्छा, मेन्यू भी बहुत अच्छा है। जी सुना था कि पहले मछली भी कसूर की बहुत मशहूर है मिठाइयों में अंदर से, तो गोलगप्पे भी ऐसे ही हैं? जी ऐसा ही है बिल्कुल, गोलगप्पे भी उनके मुकाबले पे कम नहीं है अंदर से। जी भाई वालेकुम अस्सलाम, तो आपको कैसा टेस्ट लगा भाई जान? बहुत अच्छा भाई जान, हम तो पहले ही कसूर से हैं जी, हम आते रहते हैं, इसीलिए हम भाइयों को लेके आते हैं साथ जी, हम पहले भी काफी बार आया था, पहले ही बना था, तो भाइयों को हमने ट्राई करवा दिया, हमारा सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं पंजाब जी। अच्छा, वो ही भाई कह रहे हैं बहुत टेस्ट अच्छा लगा, चलें सही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, तो आपको कैसा टेस्ट लगा भाई जान? टेस्ट बहुत मजेगा था, हम तो पहले बेसिकली कसूर से हैं, तो यहाँ पे पहले भी आते जाते रहते हैं जी, ये दोनों भाई वहाँ से आए हैं, मतलब अहमदाबाद से है, एक बलोचिस्तान से, तो वहाँ तो भी बहुत साहब के पास लेके आए, बहुत बड़े फेमस है यहाँ पे जी। तो क्या दूसरों को आप क्या कहना चाहेंगे कि कसूर में? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मर्जी का एक दफा अतारी वालों के पास लाजमी आए, रेट भी इनकी बहुत मुनासिब है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो आप इनका मुलाजम करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। सुना था आपका बहुत नाम के कसूर में तारी के गोलगप्पे बहुत मशहूर है, कि बहुत इनका नाम है, जैसे कि आपका मछली वाला जुनेद मछली वाला जैसे उनका नाम है, वैसे ही आपका नाम है मछली वाला गोलगप्पे जी। तो आपका क्या टेस्ट है, मतलब कि कितना अच्छा हो गया आपका टेस्ट? मछली वाला बहुत मजी है, वैसे मैं तो बचपन से यानी कि गोलगप्पे का जमाने में काम करता हूँ, अच्छा 8-9 साल की मेरी उम्र थी, तब से गोलगप्पे की जो है इसी को लेके आगे चला हूँ, और अल्लाह पाक की खासकर नवाजी थी कि मैं गोलगप्पे की वजह से अल्लाह पाक माशाल्लाह, यानी कि आपको एक अच्छा हो गया ये काम करते हुए बोल। तो आप लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि लोग भी बहुत कहते हैं कि तारी के गोल गप्पे हम टेस्ट करेंगे आएंगे तो सो, तो उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी कस्टमर को जो है ना वो आता है अल्लाह की मर्जी से, बस मेरा ये अगर जो मेरी तरजीह है ना वो ये होती है कि दुकान पे कोई भी जो है ना चीज़ है, सामान है या कोई भी अशिया खाने पीने में जो इस्तेमाल होती है मेरे नवाज मास में, उनमें एक नंबर यानी कि अव्वल क्वालिटी की चीज़ है। सुना है कि आपकी चाय की बहुत तारीफ सुनी है कि बाकी जो दुकानदार हैं उनसे बहुत बेहतर आपकी चाय है? बस वो ऐसी है कि जितना मतलब कि बंदा जैसे कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है जी, और कोई भी चीज़ बनाने के लिए देखें कि खर्चा तो करना पड़ता है, मेरी जो कस्टमर की जो आवाज है, मेरे पर कस्टमर की जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से मैं ना अपनी चाट को जो है ना वो ज़रा मैंने रखता हूँ ताकि ना वो मेरा क्वालिटी को यानी कि क्वालिटी के नाम पर ही माशाल्लाह।